साथियों नमस्कार। साथियों आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और मुद्दा इस प्रकार है कि जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं उनकी पेंशन कम हो रही है और एक वर्ग की पेंशन बढ़ रही है। हमारे को जिनकी पेंशन बढ़ रही है उससे कोई एतराज नहीं, पर 30 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन क्यों कम हो इसके ऊपर बहुत ही गंभीर सवाल है और ये सवाल 30 लाख पूर्व सैनिकों को पूछना चाहिए भारत सरकार से। वहीं पर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी संस्थाएं हैं पूरे देश भर में पूर्व सैनिकों के नाम से, वो पूर्व सैनिकों से सदस्य के नाम से हर साल लाखों रुपये इकट्ठा करते हैं और चाय पकौड़ा खा के निकल लेते हैं। पर अब उनकी संस्थाएं में जो बुजुर्ग सैनिक हैं, जो विधवा माता बहने हैं, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? ये जो कुछ आज होया है AOOP 3 में ऑल ऑफिसर वन पेंशन पे, इसके जिम्मेवार केंद्र सरकार के साथ साथ में हम भी हैं, 30 लाख पूर्व सैनिक भी हैं, क्योंकि 30 लाख पूर्व सैनिक अपने हकों को भारत सरकार तक नहीं पहुंचाते, भारत सरकार से न्याय नहीं मांगते। बहुत गंभीर है साथियों। मेरे बाद में पे पेंशन के जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन जी, उनकी बात को सुनना है, वो कितने गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हम थोड़े से समय के चक्कर में हम बल्ले बल्ले की खबरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पर एक्चुअल में बात यह है कि बल्ले बल्ले की खबरें देखने से क्या आपकी पे पेंशन के अंदर समानता मिल जाएगी, क्या आपको न्याय मिल जाएगा? जब तक आपको गहराई से जानकारी नहीं है कि आपके साथ में असल में हुआ क्या है, वन रैंक वन पेंशन, वन में, टू में, थ्री में, तो तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा, तब तक आप जाके किसी भी सरकार के नुमाइंदे को अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। और आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि पूर्व सैनिक हुंकार नहीं भरेंगे दिल्ली में, बिल्कुल हुंकार भरेंगे हम। हमारे को न्याय नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि हम थक गए हों या हमने संघर्ष से हाथ ऊपर कर दिए हों, नहीं, ये तो जीवन का एक हिस्सा है, संघर्ष बार बार करेंगे और अपने न्याय की मांग करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कार्प मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों अभी सर्कुलर 677 OROP 3 सब कुछ हो गया, ये बाकी लोग जो है सर्कुलर 777 777 की वजह से कितना मिलेगा, सबका बल्ले कितने बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्या होगा, हम ऐसे नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ। और खासकर जो है OROP 1 से लेके आज तक बहुत ज्यादा हुआ, जितने भी जो यूट्यूबर है अभी जो बल्ले बल्ले कर रहे हैं ना, किसी ने OROP 1 के टाइम इनको मालूम नहीं है, क्योंकि OROP 1 का जो आंदोलन चल रहा था ये लोग सर्विस में थे। और एक जो है नाम लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ऑनरी कैप्टन लोकेंद्र सिंह, इन्होंने अपना चैनल खोला है 2017 में और ऑनरी कैप्टन भदौरिया 2020 के बाद है उन्होंने अपना चैनल खोला। मेरा ये कहने का मतलब है इन लोगों को OROP 1 के टाइम में क्या हुआ, किस तरह जो है हमारे साथ धोखा हुआ, इनको मालूम नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम OROP 2015 के टाइम पे जाएंगे, क्योंकि कुछ कंपैरिजन हमें करना पड़ता है ना। जैसे अभी आपको मालूम है
हमारे जो सीडीएस है उन्होंने एक बात बताया था कि ओआरओपी का टेबल रेडी है लेकिन उसमें कुछ अनामलीज है, इसलिए वो वापस गया। उन्होंने साफ बताया, साफ बताया। वैसे उस टाइम भी जो है पहला एक टेबल रेडी हुआ, वो टेबल जो है ऑफिस के लिए मंजूर नहीं था। उसी टाइम बगल में एक और टेंट था, बगल में जो टेंट था वो ऑफिस का नहीं था, जवानों का। तो हम लोग बैठे हुए थे ऑफिस टेंट में, और बगल वाला जो टेंट में था साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऑफिस बैरस, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, फिर एक वकीलों का संगठन, ये लोग अलग से कर रहे थे, सिर्फ जेसीओस और जवान। हमें पता नहीं था इसके बारे में कि ऑफिस अच्छा है या ये कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो हमने सोचा कि भाई एक सब लड़ रहे हैं एक साथ मिलके, लेकिन हमें क्या मालूम था कि हमारे साथ धोखा होने वाला है। दोस्तों उसी टाइम जो है अन्ना हजारे आए थे, जब अन्ना हजारे जब आए थे उस टाइम जो है उसके साथ जितने भी थे ऑफिसर्स थे, और वहां भी लोगों ने सोचा अन्ना हजारे की वजह से हमें कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन पहला जो टेबल जारी हुआ, मतलब रेडी हुआ था, और उसको लेके ऑफिसर्स खुश नहीं थे, इसलिए जो है 2014 में वो टेबल नहीं माना था। और 2014 में जो है एक प्रपोजल भेजा गया था मेजर जनरल राधाकृष्णन के द्वारा, वो प्रपोजल जो है ऑफिस संगठन ने उसको मतलब अपोज किया था। वो क्या है उसके बारे में विस्तार में मैं अगला वीडियो बताऊंगा। लेकिन उसके बाद जो टेबल रेडी हुआ था उसमें जवानों को कुछ भी नहीं था, जिस तरह अभी टेबल रेडी हो रहा वैसे ही था। तो उस टाइम जो है जो बगल वाले टेंट है ना, उन लोगों ने जबरदस्त तरीके से उसको जो है अपोज किया था। फिर जाके बातचीत हुआ, फिर टेबल बदली किया, उसके बाद थोड़ा सा लोगों को मिला। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबको मिला, थोड़ा सा मिला, खासकर जो है हवलदार तक। लेकिन वहां पे क्या हुआ, उस टाइम भी ऐसे ही है, लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, ऑफिसर्स जवानों को अच्छा मिलेगा, जवानों को ये मिलेगा, लेकिन किसी ऑफिसर ने ये नहीं कहा कि ऑफिसर्स को क्या मिलेगा, क्योंकि उन दिनों में ऐसे यूट्यूबर्स नहीं थे। उन दिनों का जो यूट्यूबर्स अभी भी है, लेकिन ये ओआरओपी 2 ओआरओपी 3 कवर नहीं कर रहे, और कवर किया भी नहीं था, क्योंकि लोगों ने जब यूट्यूब को एक धंधा बनाया था ना, सिविल यूट्यूबर्स और अपने लोग, इसलिए वो लोग जो है यूट्यूब बनाना छोड़ दिया। और वो मतलब अभी भी बना रहे यूट्यूब, लेकिन पॉलिटिकली कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो ओआरओपी 1 सर्कुलर 555 जब निकला था, उस टाइम भी हमें ये नहीं मालूम था कि रिजर्विस्ट आनरी नायक, आनरी हवलदार, इनके बारे में हमें कोई, भाई मैं तो एक एयरफोर्स का एक कार्परल हूं, मुझे क्या पता है कि ये रिजर्विस्ट आनरी नायक, आनरी हवलदार, आनरी नायब सूबेदार, कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन टेबल निकलने के बाद, टेबल निकला था 2016 जनवरी के आसपास, नोटिफिकेशन निकला था 2015 में। नोटिफिकेशन में एक ऐसे शर्त था, क्या कहते हैं इनको, पीएमआर का। जैसे पीएमआर का शब्द देखा है ना, तो सारे ऑफिसर्स जो है बस उनके तो हवा निकल गया, बहुत जम के उसके इसके लिए जो आवाज दिया था मेजर जनरल सतबीर सिंह ने,
पीएमआर के खिलाफ, उस टाइम भी किसके नाम लेके बोला था, जवानों का नाम। भाई जवान तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट होता ही नहीं है, जवानों का 17 साल कलर सर्विस होता है, 17 साल के बाद वो जा सकता है, लेकिन उसको चेंज करके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 20 साल के हिसाब से उसको कर दिया था, यानी कि कलर सर्विस का जो नाम था पहले उसको मिटा दिया। अभी जो है ना लोग टेबल के ऊपर बता रहे हैं ना, हम नायक का 22 साल का, हवलदार का 24 साल का, नायब सूबेदार का 28 साल का, ये सब गलत, कोई कलर सर्विस नहीं है, सिर्फ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। खैर उस टाइम जो है हमारे ग्रुप कैप्टन गांधी ने इतना शरेआम झूठ बोला था कि स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी जो उस टाइम का जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमें ऐसे 3 किस्म का टेबल दिखाया, एक 16,000 करोड़ का था, एक 6,000 करोड़ का, एक 8,000 करोड़ का, और हमने 8,000 करोड़ का जो टेबल था वो हमने माना, लेकिन आज तक ऐसे कोई टेबल था ही नहीं। इन्होंने अपनी मतलब कहानी बताया, हमें क्या पता था, क्योंकि यही चाहते थे बात करने के लिए, यही आते थे हम, जो मतलब उस टाइम का ये नाम है यूनाइटेड फ्रंट एक्स सर्विस मैन, हम लोग उसमें शामिल इसलिए हुए थे लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह सर के लिए, जो 1980 से लड़ रहा था। ये तो 2008 के बाद आया ना, 1980 से वही लड़ रहा था लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह सर, उन्हीं के लिए हम लोग आए थे उसी में। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह सर को भी जो है इन लोगों ने बाईपास करके ऊपर चला गया, जिस तरह अभी है ना वॉइस ऑफ एक्सरिस्मन ने UFESM बनाया, अब उनमें जो भी मेंबर्स था सबको सुपर सीड करके हमारे जो वीर बहादुर सिंह बॉस बन गया ना, वैसे हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह बॉस बन गया था UFESM का। अभी भी देखो कोई भी लेटर जाता है UFESM का नाम पे नहीं जाता, ये बात करेंगे UFESM के नाम पे, लेकिन लेटर भेजते हैं IESM के नाम से, क्योंकि बॉस है ना ये। दोस्तों जब ORoP 1555 सर्कुलर में जब हमने ऑनरी नायक का देखा, जो 1 रुपया जो कम लेता था नायक से, उसको कहां किसके साथ उनको खड़ा किया, एक सिपाही के साथ, एक टाइम स्केल नायक, वो भी 1 रुपया कम लेता था, उसको नायक की बराबर किया। जब TS नायक को नायक की बराबर किया तो ऑनरी नायक को क्यों छोड़ा था, ऑनरी नायक मुश्किल से सर्विस में, आज के दिन में यानी कि 2015 के टाइम हम ले लेंगे, 14-15 के टाइम में मुश्किल से 5 से लेकर 10,000 लोग थे, और 10,000 लोगों को जो है उनके पेट में लात मारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, और उनको साथ दिया था मेजर जनरल सतबीर सिंह ने। उन्होंने इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया उस टाइम, जो ऑनरी हवलदार थे वो भी 1 रुपया कम लेता था 2014 जून तक, उसको जाके किसके साथ किया था, एक नायक के बराबर। तो उससे क्या है, ऑनरी हवलदार के जो है पेट में लात मारा, और उनकी जो फैमिली पेंशनर की भविष्य में लात मारने वाले कौन थे, मेजर जनरल सतबीर सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये ऑनरी हवलदार और ऑनरी नायक आज और रिजर्विस्ट, ये तीनों जो है आज के दिन में अगर आप काउंट करोगे ना, मुश्किल से ये तीनों मिला के आपको 20,000 से ऊपर नहीं मिलेगा, और उनके फैमिली परिवार जो है वो भी 10-15,000 से ऊपर नहीं है, यानी कि 50,000 लोगों के पेट में लात मारने वाला है हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह, और उस टाइम का जो है गवर्नमेंट MOD ये सब उसमें शामिल है। किसी को कुछ नहीं पता, ये दोषी, मैं इनको दोषी नहीं बताऊंगा, इनको खुद को पता नहीं इनका पेंशन क्या है,
जो ब्यूरोक्रेट्स ने जो किया है इन्होंने हां भर दिया। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि बजट दिया था इतने में करना है। जब इतने में करना है तो पहले इन लोगों ने अपना पेट, क्योंकि सबसे पहले जो है ना हमें अपना देखना चाहिए ना, सबसे पहले इन्होंने अपना देखा है, फिर उसके बाद जो बचा था लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। यही हुआ था 2015 में। और जैसे मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में पूछ बताया था, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार हम लोगों ने साथ दिया था उस टाइम। और खासकर जो है उस टाइम साथ देने वाले थे 90% 70 साल और 80 साल के ऊपर के अदर रैंक्स, यानी कि नायक और सिपाही थे उसमें, जिनको मतलब जो मिलना था, जिनके परिवारों को जो मिलना है, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ वही थे वो सपोर्ट करने वाले, भूख हड़ताल में बैठने वाले वही थे। दोस्तों, आज मैंने सिर्फ एक शॉट में बताया 2015 का जो 3-4 महीने का जो कहानी, अगला जो बताऊंगा वहां से आगे। और हर एक चीज का जो है मेरे पास रिकॉर्ड है, बगैर रिकॉर्ड में कोई बात नहीं करता हूं। हम आते हैं अगले वीडियो में बाकी का कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सैनिक भाइयों, आप लोगों ने उनका वीडियो देखा और मेरी एक प्रार्थना भी है कि ये वीडियो कम से कम 10-10 ग्रुपों में शेयर करना है आप लोगों को, जिससे देश भर के 30 लाख पूर्व सैनिकों के पास में ये वीडियो जाए, वो समझे अपने हकों के बारे में। यही आप लोगों से विनती करता हूँ और इतना ही आप लोग मेरे पे कष्ट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।